हाड़ों की बेरवा उत्थान समिति के तत्वाधान में आयोजित छात्रावास के शिलान्यास समारोह में लाडपुरा क्षेत्र की यशस्वी विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, इस वार्ड के वार्ड पार्षद श्री महेंद्र वर्मा जी, समिति के अध्यक्ष श्री शंकरलाल जी, संयोजक श्री रामलाल जी कटवाड़िया जी, रतनलाल जी वर्मा जी, मनीषा जी, अशोक मीणा जी, मजपे विराजे, सभी अतिथिगण, मैं सब आपको आज के कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये समाज का छात्रावास बहुत पुराना छात्रावास है। जिन लोगों ने इस छात्रावास के निर्माण में सहयोग किया, तन से किया, मन से किया, धन से किया, समर्पण किया, उन सबको लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सब ने बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बाबा साहब का सपना था देश का अंतिम व्यक्ति, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, उसको समाज में न्याय मिले। और इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण कराया तो आज हम भारत में गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। विविधता वाला, विशालता और विविध संस्कृति वाला देश भारत है। समानता और न्याय, समतामूलक समाज, जिसकी नींव बाबा साहब ने रखी थी, आज दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां समाज के एक व्यक्ति को भी अपने मौलिक अधिकार के लिए न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। और इसीलिए आज आवश्यकता है कि समाज में किस तरीके से हमारे नौजवान बाबा साहब के, अंबेडकर के विचारों पर चले। जिस मां की कोख में बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए थे, हर मां की कोख से बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति पैदा हुआ, जो इस देश को आगे ले जाए, राष्ट्र को आगे ले जाए, समाज को आगे ले जाए, और किस तरीके से जब समाज की प्रगति होगी, खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, तो देश खुशहाली और समृद्धि आएगी। और इसीलिए हर समाज को अपने अपने समाजों के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए अलग जगाने की आवश्यकता है। एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कारित शिक्षा के माध्यम से हमारा नौजवान देश में नेतृत्व करे, प्रदेश में नेतृत्व करे, इसके लिए समाज को सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि समाज में पैदा होने वाला हर बेटा बेटी को हम अच्छी शिक्षा देकर, संस्कारित शिक्षा देकर भारत का उत्कृष्ट नौजवान बनाएंगे। और यही सामाजिक परिवर्तन है। समाज में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, सामाजिक नए परिवर्तन के युग की ओर प्रवेश करना,
और किस तरीके से शिक्षा के साथ हम आर्थिक रूप से मजबूत हों। हर गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला हर व्यक्ति जब आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो भारत आर्थिक तत्व भी मजबूत होगा। और इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए समाज में संगठित करकर हर व्यक्ति को कैसे रोजगार से जोड़े, कैसे उसको जो अच्छी शिक्षा मिले उस शिक्षा के आधार पर और वो टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करें, मेडिकल की बात करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वैज्ञानिक बने और समाज में नेतृत्व करते हुए और समाज के लोगों को भी आगे लेकर जाए। जो इस समाज में पढ़कर बड़े पदों का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने में वो उनका योगदान होना चाहिए। और मुझे आशा है कि हम सामूहिकता के साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन समाज में परिवर्तन आएगा ही आएगा, यह हम सबकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हमारी निभानी है। जब आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव है, अमृत तभी निकलेगा जब हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने का लक्ष्यों के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से अमृत निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि बेरवा समाज से मेरा बड़ा निकट का संबंध है, दूर दराज के गांव में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि आज भी कठिन चुनौतियों से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन जानकारी नहीं, इसलिए जानकारी के अभाव के अंदर भी समाज में पिछड़ा न रह जाए, जो भी सरकार की योजना है उन योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उन योजनाओं का लाभ उनको मिले। अभी मुझे पिछली बार दिल्ली के अंदर अम्बेडकर भवन को घूमने कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर संस्थान की तरफ से फेलोशिप योजना होगी। मैंने उस समय समाज के लोगों को कहा था कि हर गांव से दो दो नौजवान तैयार करो, उन नौजवानों को हम दिल्ली लेकर आएंगे, संसद दिखाएंगे जिस संसद के केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कई मनुष्यों ने संविधान बनाया था, अंबेडकर की शोध प्रतिष्ठान को दिखाएंगे, अंबेडकर के कार्यों को देखेंगे, उनके जीवन दर्शन को देखेंगे, उनमें नई प्रेरणा आएगी, नई उत्साह आएगा कार्य करने की, नया शक्ति आएगी। वो जितना ज्यादा देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और हमारे कई लोगों ने जिन्होंने समाज जीवन में परिवर्तन करने का काम किया उनकी जीवनी से उनको भी नहीं प्रेरणा आएगी कि मैं भी समाज में परिवर्तन कर सकता हूं। और इसीलिए मैंने आग्रहपूर्वक कहा है कि सब लोग आए, सरकार की जितनी योजनाएं उन योजनाओं का लाभ हमारी महिलाओं को मिले, हमारी बच्चियों को मिले, नौजवानों को मिले और सामाजिक आर्थिक तंत्र को इस तरीके से ढांचा तैयार करें कि ये छात्रावास के अंदर एक कार्यालय जिसमें समस्त जानकारियां हो, देश के अंदर कहीं भी कोई भी परेशानी आए मैं आपके साथ खड़ा हूं। ओम जी बिरला जिंदाबाद। जिंदाबाद। कोई बच्चे को कहीं भी पढ़ना हो, देश में पढ़ना हो, देश के बाहर पढ़ना हो,
मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो 21वीं शताब्दी की पीढ़ी है वो शिक्षित भी होगी, दीक्षित भी होगी और भारत का नेतृत्व करने वाली भी होगी और वो पीढ़ी आप में से निकले, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हर समाज में से इस तरीके के नौजवान निकले और इसीलिए मैं पुनः हाड़ौती बेरवा समाज उत्थान समिति के सभी माननीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मनीषा जी के मन में भी आए कि मैं भी इस मोहन में कुछ न कुछ सहयोग करना चाहता हूं।